आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के मन में एक सवाल होता है कि उनकी पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल आ रही है फिर भी उनकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीरियड्स अगर आपकी नॉर्मल आती भी है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके बॉडी में आपके पीरियड्स में ज़रूर होंगे, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। क्योंकि हमें तो लग रहा है कि हमें पीरियड्स सही टाइम पर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो सही टाइम पर आते हैं? लेकिन क्या अंडे बन रहे हैं शरीर में? क्योंकि अगर अंडे ही नहीं बनेंगे तब आपकी प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? और इनफैक्ट सिर्फ अंडे ही नहीं, मेल के सेल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फीमेल बॉडी और उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो हार्मोन का लेवल है या जितनी भी तरह के टेस्ट होते हैं जो कि फीमेल बॉडी के ऊपर होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता का भी अच्छा होना। यानी कि अगर सारे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी ठहरेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके पीरियड साइकिल में क्या क्या ऐसी गड़बड़ी होती है जिससे कि एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंडे अब सही तरीके से नहीं बन रहे हैं, अंडे में कुछ ना कुछ खराबी आ रही है जिसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं की प्रेगनेंसी का एक सही उम्र होता है। अगर प्यूबर्टी के बाद से बात की जाए तो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक महिलाओं का शरीर फर्टाइल होता है, उस टाइम पे वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो महिलाओं के शरीर के ओवरीज होते हैं, जो दो ओवरीज होते हैं, वो अंडों को प्रोड्यूस करते हैं। जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं धीरे धीरे करके वो बड़े होते हैं और जब इनकी एक परफेक्ट साइज़ आ जाती है, 18 से 20 mm की साइज़ ये एक्वायर कर लेते हैं, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी भी रुकती है। अगर सही टाइम पर आपका रिलेशनशिप हुआ, मेल के सेल्स भी हेल्दी हैं, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, जैसे जैसे आपका पीरियड्स आते जाता है, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ओवरीज के जो एग रिज़र्व होते हैं वो कम होते हैं। और ये एग रिज़र्व जो होता है वो धीरे धीरे आपके डिट्यूरिएट होता है, उनमें कमी आती है, अंडे की क्वालिटी भी गिरने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे जो फॉलिकल होता है, हमारा जो एग रिज़र्व होता है, जिसकी एक टेस्ट कराई जाती है AMH की, तो AMH की जो वैल्यू होती है उससे पता चल जाती है कि अब अंडे कितने बचे हैं और जितने बचे हैं क्या वो सही क्वालिटी के हैं या नहीं है। तो उससे एक अंदाज़ा मिलता है, उसी हिसाब से महिलाओं की जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है। क्योंकि एक बार अगर वो मेनोपॉज को हिट करती हैं उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है, क्योंकि अंडे का जो रिजर्व है वो खत्म हो चुका है। तो आपके अंडे की जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट रखने के लिए और सही टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी होने के लिए भी एक जो फेवरेबल टाइम होता है, सबकी अलग अलग एक कह सकते हैं सबकी टाइम ड्यूरेशन होती है, किसी को करियर बनाना होता है, किसी को कुछ लाइफ में कुछ करना होता है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा लंबा टाइम खिंच जाता है। तो जब ये लंबा टाइम खिंच जाता है, महिलाओं की उम्र 35 साल से ऊपर हो जाती है, तो ऐसे केस में भी कई बार प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके अंडे का जो रिज़र्व है वो कम है या फिर AMH की वैल्यू कम है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो सिंगल प्रेगनेंसी को लीड करने के लिए, आपका सिर्फ एक स्वस्थ अंडा ही ज़रूरत होता है। बहुत सारे अंडों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये देखने की और समझने की ज़रूरत होती है कि आपके शरीर में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ हार्मोनल बदलाव भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी कई बार आपका पीरियड्स तो आता है लेकिन अंडे की क्वालिटी इतनी सही नहीं होती है। तो आज यही मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको समझ पाएंगे कि आपका पीरियड्स तो आ रहा है लेकिन फिर भी अंडे की क्वालिटी सही नहीं है। तो पहला लक्षण क्या होता है कि पीरियड्स अगर आपके आते हैं तो कई बार क्या होता है कि 2-3 दिन पहले भी आ जाते हैं या फिर आपको 5-6 दिन लेट से भी आता है। यानी कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो थोड़ा सा इरेगुलर चलती है। कोई कन्फर्म नहीं है कि आपका, जैसे कि नॉर्मल 2-3 दिन इधर उधर होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, पीरियड इरेगुलर आता है, तो भी आपके पीरियड साइकिल में डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब कि ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं हो रहा है। कई बार अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा जल्दी हो जा रही है, उसका प्रोडक्शन जल्दी हो जा रहा है, तो आपका ओव्यूलेशन जल्दी हो जा रहा है, या आपके LH और FSH की जो वैल्यू है वो भी फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब कि हार्मोन की गड़बड़ी है, इसकी वजह से भी ओव्यूलेशन में कई बार डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसकी वजह से भी अंडे की क्वालिटी डिटोरिएट होती है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब भी महिलाओं के पीरियड साइकिल आते हैं, या तो पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है या तो बहुत ही कम होता है। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं, आप विश्वास
विश्वास नहीं मानेगा जिनको पीरियड साइकिल एक से डेढ़ दिन तक ही आता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में 3 से 5 दिन अगर आपकी ब्लीडिंग चलती है, वो भी बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है, तो वो बिल्कुल हेल्दी आपकी पीरियड साइकिल है, वो कन्फर्म हो सकती है, वो आपको बता देती है कि हाँ इस टाइम पर आपका जो फॉलिकल है वो अच्छी तरह से वो रिलीज़ हुआ है, उसकी एक कंसिस्टेंसी होती है जैसे कि डिस्चार्जेस के रूप में भी आपको मिलती है, जो कि मैं अगला पॉइंट बताने वाली हूँ। लेकिन बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो पीरियड का ब्लड है वो भी आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर कुछ ना कुछ आपके हार्मोन की गड़बड़ी चल रही है जिसकी वजह से पीरियड का जो फ्लो है उसके भी कलर में आपको डिफरेंस लगेगा, कुछ ग्रे कलर का या कुछ ग्रीनिश कलर का अगर डिस्चार्ज आ रहा है पीरियड के दौरान, मतलब कि कुछ आपको मटमैला आपका जो पीरियड का जो पैड है अगर आप देखिएगा वो बिल्कुल फाउल एकदम गंदा सा दिखता है, बिल्कुल फ्रेश ब्राइट रेड कलर का अगर ब्लड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके यूट्रस में वो ब्लड इकट्ठा हो रहा है, वो ब्राउन रूप में या फिर ग्रीन रूप में निकल रहा है। और जनरली अगर ग्रीन या ग्रेश आपको लगता है इसका मतलब कि आपको यूटीआई भी है, इन्फेक्शन भी है, और अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब कि काफ़ी देर तक आपके यूट्रस में ये जो ब्लड है वो कलेक्ट हो रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, उसके बाद ये रिलीज हो रहा है, उसके बाद इसका कलर इतना जंग जैसा या फिर ब्राउनिश आपको डिस्चार्ज आ रहा है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल फ्लो आता है जहाँ पर आपको एकदम रेड कलर का ब्लड दिखाई देता है, जैसे कि फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है, मे बी बहुत सारी महिलाओं को पिंक डिस्चार्ज आते हैं, कुछ को थोड़े से ब्राउनिश डिस्चार्ज आते हैं, लेकिन उसके बाद उनका फ्रेश ब्लड आने लगता है और क्लॉटिंग के साथ आता है, तो ये बिल्कुल हेल्दी आपकी पीरियड साइकिल हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकल रहे हैं या तो आपके पीरियड का जो ब्लड है वो फ्लो है बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में भी आपको समझना चाहिए कि अंडे की क्वालिटी सही नहीं जा रही है, और ऐसे केस में आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरी जो जाँचें हैं वो ज़रूर करा लीजिए। और थर्ड चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको हिंट दे दिया था कि कुछ ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो कि आपको निकलते हैं आपके ओवुलेशन के समय में, जिस टाइम पे आपकी लिबिडो भी बढ़ती है, तो वो डिस्चार्जेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर इस तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं होता है जहाँ पर आपको चिपचिपा पदार्थ रिलीज हो। ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है अगर वो रिलीज़ होता है, अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे ये रिलीज़ हो रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी लिबिडो भी हाई है, इसका मतलब कि ओवुलेशन हुआ है। लेकिन अगर हेल्दी डिस्चार्जेस भी नहीं है, फाउल स्मेल आती है, आपको यूटीआई की समस्या है, इचिंग खुजली या फिर रेडनेस कह सकते हैं, इस तरह की समस्या बनी रह रही है, तो आपको गर्भधारण करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऐसे केस में आपको यूटीआई के ऊपर काम करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको अगर निचले अंगों में परेशानी होती है जिसके वजह से भी जो मेल के सेल्स होते हैं वो आउटर ही स्पेस में वो डेड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट का जो पीएच होता है वो सही मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जब ये सही मेंटेन नहीं हो पाता है तो वो हेल्दी रिलेशनशिप, जब वो उनका कंसीव वहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन तक वो जो मेल के सेल्स हैं वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि दर्शाती हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपके अंडे की क्वालिटी कम हो रही है, आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। होपफुली आपको इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है वो अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाय वर्ल्ड।